तो दोस्तों आज के इस वीडियो में एक मिक्सी की जार को रिपेयर करना सीखने वाले हैं। यहाँ पे इस वीडियो में आप लोगों को मैं इस मिक्सी की सॉकेट जो हमारी होती है इसे बदलना बताने वाला हूँ, यानी कि बिल्कुल सही तरीका बताने वाला हूँ यहाँ पे किस तरह से मैं इस सॉकेट को बदलना है, हमें किन किन बातों की ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पे दोस्तों जो हमारी प्रॉब्लम है सॉकेट बदलने की आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे जो हमारी कपलर है ये भी हमारी खराब है और यहाँ पे इसकी बूश भी दोस्तों हमारी यहाँ पे खराब है। तो यहाँ पे ये सॉकेट जो है दोस्तों ये हमारी काफ़ी बुरी तरह से यहाँ पे खराब हो चुकी है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारी एक तरफ से पचका हुआ भी है। सॉकेट भी दोस्तों हमारे यहाँ पे जो है कामयाब नहीं होने वाली है। अब यहाँ पे बदलने का रीज़न दोस्तों यहाँ पे ये हुआ है कि इसकी जो हमारी आपको मैं दिखाता हूँ, इस कपलर को मैं सबसे पहला नंबर खोल देता हूँ। तो यहाँ पर हमने जो कपलर को हटा लिया है और यहाँ पर देखिए ये जो हमारी बूश जो हमारी जाम रहती वो वाली पर्सन हमारे यहाँ पे जो है नहीं है। जब दोस्तों ये मसाला को पीसेगी तो यहाँ पर हमारी ये बूश जो है दोस्तों ये खराब हो सकती है, यानी कि हमारी निकल सकती है। इसे बूश तो हमारी कटी ऑलरेडी है ही, इसलिए फ्रेंड्स मैं इस सॉकेट को ही बदल रहा हूँ। तो हमें कैसे बदलना है चलिए आपको मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करता हूँ। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस मिक्सी की सॉकेट को बदलने के लिए सबसे पहला नंबर हमें इस सॉकेट को निकालना पड़ेगा, जब भी दोस्तों हम यहाँ पे नया सॉकेट इसके अंदर हम डाल सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखनी है कि हमारी जो सॉकेट इसके अंदर लगी हुई है वो हमारी कौन सी सॉकेट है। तो दोस्तों ये जो हमारी बाटी है ये हमारी फिलिप्स कंपनी की है, तो हमने जो मार्केट से फिलिप्स कंपनी की ये सॉकेट जो खरीद लिया है। इसकी कीमत मुझे दोस्तों एक पीस की लगी है 120 रुपया, तो मुझे 120 रुपया लगी है। और इसे आपको लगाने के बाद कितना चार्ज करना है आपको मैं आगे बता दूंगा। यहाँ पे आपको जो है सर्विस चार्ज यानी कि इसकी कीमत आपको जो है लगाने की कितनी लेनी है। तो सबसे पहले नंबर इसे मैं सेट करता हूँ। आपको करना क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें जो है इस सॉकेट को निकालने के लिए इस जगह पे आपको जो है इस तरह की बोल्ट लगी रहती है, आप देख सकते हो। तो सबसे पहला नंबर फ्रेंड्स आपको क्या करनी है, इस नट को आपको खोलनी है। तो ये नट भी दोस्तों आपको जो है इतनी आसानी से नहीं खुलती है, यानी कि मान लीजिए हमारी ये जब मिक्सी चलती है तो इसमें पानी वगैरह लग के ये जो हमारी इसकी जो गुना होती है हमारी जाम हो जाती है, ये हमारी जो नहीं खुलती है। तो इस क्रम में आप यहाँ पे एक बार ट्राई कर लीजिएगा खोल के। यहाँ पे ये हमारी बम्बू है, इसकी बम्बू को आप इसमें डाल के और यहाँ पे घुमा के देख लीजिए, खुल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं खुलती है तो आपको क्या करनी है, एक चोरसी लेनी है और चोरसी की मदद से दोस्तों यहाँ पे इसे रख के और इसे आप जो है काट दीजिए। इस चोरसी की मदद से इसे आप यहाँ पर जो रख के और यहाँ पर हीट कीजिएगा हैमर की मदद से, तो यहाँ पर ये आसानी से कट जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करनी है, जो है इस तरह से आपको जो है चोरसी को ले कर और यहाँ पर हीट करनी है। यहाँ पर ये निकल पाती है कि नहीं, अगर निकल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं निकलती है तो आप करना है आगे आपको मैं बता दूंगा। चलिए सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ, इस तरह से डाल के और यहाँ पे देखिए यहाँ पे निकल रहे हैं कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे जो निकल चुकी है। तो किस तरह से आपको निकालना है आपने देख लिया है। अगर मान लीजिए आपकी ये बाटी यहाँ पे अभी थोड़ा भी नुकसान नहीं हुआ, आपको ऐसा लगेगा कि हमारी ये बाटी टेढ़ा हो जाएगी, तो आपको उतना ज़्यादा भी हीट नहीं करना है। दूसरा तरीका बता देता हूँ कैसे खोलना है दोस्तों। इस चोरसी को लेके यहाँ पे आपको जो है मारनी है इस जगह पे, या दोस्तों आपको यहाँ पे जो बूश को काटनी है इस बम्बू के ऊपर रख के, इस तरह से बम्बू के ऊपर इस बाटी को रख दीजिए और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो इसे कट करनी है, यहाँ पर इसे कट कर दीजिए और यहाँ पर ये सॉकेट आसानी से निकल जाएगी। तो सॉकेट को हमें किस तरह से निकालना होता है आपने अभी देख लिया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमें क्या करना है, आइए आपको मैं यहाँ पे नया सॉकेट लगा के दिखाता हूँ। तो सबसे पहला नंबर आपको इस सॉकेट को यहाँ पे जो हमारी जितना भी गंदगी होगी आप इसे साफ़ कर लीजिए, क्योंकि ये हमारी जो है बार बार नहीं खुलती है, बार बार नहीं खुलती है। तो इसलिए हमें यहाँ पर जो कस्टमर को बेहतर तरीक़ा से काम करके देना है, ताकि हमारी कस्टमर हमसे यहाँ पर जो है नाराज़ ना हो पाए और हमारी बाटी की रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिल पाए। चलिए अब आपको मैं अगला स्टेप बताता हूँ। हमारी ये सॉकेट जो है निकल चुकी है, तो इतनी बुरी हालत है सॉकेट की आप देख सकते हो, यानी कि बहुत ही ख़राब यहाँ पे जो लग रही है देखने में। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारी ये सॉकेट की रबर है आपको इसे हटा लेनी है। चलिए यहाँ पर हमने जो है हटा लिया है, अगर यहाँ पर कचरा होती है तो आप इसे साफ कर दीजिए इस तरह से। और यहाँ पे इसे जो है साफ़ कर दीजिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो सॉकेट है मार्केट से आपको जो है सॉकेट ले आनी है, सेम सॉकेट आपको यहाँ पे जो है देख के, और यहाँ पे जो हमारी वायर वगैरह ये सभी को आपको हटा लेनी है। अब यहाँ पे इसे आपको है इस तरह से लगा के देख लीजिए, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये जो हमारी सॉकेट है बिल्कुल यहाँ पर एक्यूरेट है, आप देख सकते हो, यानी कि बिल्कुल सेम साइज़ की है। तो चलिए मैं यहाँ पर सेट करता हूँ और यहाँ पर चलिए मैं इसे डाल देता हूँ। इस तरह से डालने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या करनी है, सबसे पहला नंबर ये जो हमारी वार्सल यहाँ पे जो है देखने को मिलेगी काला वाला, या जो भी आपके यहाँ पे इसके साथ वार्सल मिलती है आप यहाँ पे लगा दीजिए।
अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपको एक स्टील की पट्टी देखने को मिलेगी, इसको आपको जो इसके ऊपर यहाँ पे इस तरह से लगा दीजिए, इस तरह से। अब लगाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपकी ये बोल्ट दी जाती है, इस बोल्ट को इसके ऊपर यहाँ पे टाइट कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पर हमने जो इस तरह से टाइट कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर इतना टाइट करने से कुछ भी नहीं होने वाली है। यहाँ पर आपको एक बम्बू लेनी है और इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर जो है आपको जो है इसकी सॉकेट मिल जाएगी और इससे भी आप यहाँ पे टाइट कर सकते हो। बाकी इसकी जो है एक टूल्स आती है तो मैं इसी से टाइट कर देता हूँ। और यहाँ पे आप इसे जो है अच्छी तरह से टाइट कीजिएगा, फुल टाइट, ताकि हमारी यहाँ पे ये जो बॉडी है, ये जो हमारी सॉकेट है, ये हमारी जो है ढीला ना रहे। आप देख सकते हो हमने यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पर जो है टाइट कर लिया है, यानी कि थोड़ा भी यहाँ पर हमारी ये लूज नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपकी ये ढीला पड़ जाती है तो आपको क्या करनी है, ये जो हमारी स्टील वाली व्हाइट वाली जो वार्सल थी दोस्तों, आप एक एक्स्ट्रा इसके ऊपर डाल के और यहाँ पे जो है टाइट कर देनी है। तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छी तरह से टाइट हो जाएगी। बट यहाँ पे देखिए एक पे ही ये काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे टाइट हो चुकी है। अब आपको क्या करनी है, यहाँ पे जो हमारी साफ़ट थी आपको साफ़ट को देख लेनी है, ये हमारी जो सही है कि नहीं। इसकी आप साफ़ट देख सकते हो, ये साफ़ट इसकी यहाँ पे ख़राब है। और फ्रेंड्स मेरे पास नहीं होने के कारण मैं इसी साफ़ को यहाँ पे सरेस की मदद से साफ़ कर दिया हूँ। साफ़ट दोस्तों हमारे यहाँ पे कटा नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे क्या हुआ है कि हल्का हल्का से यहाँ पे इसकी जो परत है ये झड़ चुकी है, तो हमने यहाँ पे इसे प्लेन कर दिया है। अभी ये हमारी ये चल जाएगी, बाकी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब आपको क्या करनी है, यहाँ पे आपको हल्का सा ऑयल लेके और हल्का सा बूस में भी आपको जो है डाल देनी है इसके अंदर, इस तरह से डाल दीजिए। और इसके बाद दोस्तों आपको जो है वार्सल लेनी है कुछ इस तरह की, गैपिंग को बनाने के लिए, यानी कि कम ज़्यादा करने के लिए ये हमारी वार्सल यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। चलिए मैं यहाँ पर जो है दो वार्सल लगा दिया हूँ। अब इसको मैं इसके अंदर डाल देता हूँ और देखता हूँ हमारे यहाँ पर कितनी ज़्यादा यहाँ पर गैपिंग बन रही है, कितनी नहीं बन रही है। चलिए यहाँ पे मैं इसे जो है डाल देता हूँ इस तरह से। तो अभी फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो है लगा लिया है और ये हमारी जो है बिल्कुल यहाँ पे सेट हो चुकी है। आप देख सकते हो इस तरह से हमारी यहाँ पे ये फिक्स हो चुकी है। तो हमें क्या करना है, एक वार्सल नीचे एक साइड से भी लगा देनी है। इस तरह से हमने जो है एक वार्सल डाल लिया। अब इसकी जो हमारी कपलर थी ये भी हमारी ख़राब थी, आप देख सकते हो, तो मैं यहाँ पे नया कपलर डाल देता हूँ। चलिए यहाँ पे इसमें कपलर को यहाँ पे जो है इस तरह से घुमाइएगा एंटी क्लॉक में, तो ये हमारी जो है टाइट हो जाएगी। सो यहाँ पे मैं इसे अच्छी तरह से टाइट कर देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप जो है एंटी क्लॉक में घुमा के बहुत ही अच्छी तरह से इसे टाइट कर दीजिए। अब यहाँ पर आपकी काम दोस्तों बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी जो है अच्छी तरह से यहाँ पर घूम रही है, आप देख सकते हो, कोई भी यहाँ पे हमारी जो दिक्कत नहीं है, बहुत ही फ्री यहाँ पे घूम रही है, थोड़ा भी हमें जो दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ा है। और ब्लेड भी फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे जो है सही पोजीशन में बैठ चुकी है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से इस सॉकेट को चेंज किया जाता है और किस तरह से हम किए हैं आपने देख लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी टोटल कॉस्ट बनती है इसकी चार्ज, यानी कि इसे रिपेयर करने की, चलिए आपको मैं बताता हूँ। तो 120 रुपया कीमत दोस्तों हमें जो है इसका यहाँ पे जो लिया गया है, तो मैं इसका 180 रुपया जोड़ूंगा और 20 रुपया फ्रेंड्स हमें यहाँ पे जो है इस कपलर की जोड़नी है, यानी कि 200 रुपया। तो यहाँ पे हमारी जो टोटल चार्ज बन रही है दोस्तों, मैं यहाँ पे जो है 200 रुपया चार्ज करने वाला हूँ। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हो, 200 रुपया इस सॉकेट की या 220 रुपया इस सॉकेट की और 20 रुपया इसकी आप यहाँ पे या 30 रुपया इसकी जोड़ सकते हो, यानी कि टोटल कॉस्ट यहाँ पे 240 रुपया हमारी बन जाती है। तो ये जो हमारी फ्लिप्स वाली बैटरी होती है इसकी जो सॉकेट होती है ये हमारी थोड़ी सी कॉस्टली आती है, हमारे इधर जो है इतना रेट में मिला है, तो मैं यहाँ पर इस हिसाब से रेट यहाँ पर जोड़ रहा हूँ। तो आपके एरिया में जिस हिसाब से मिलेगी आप उस हिसाब से इसकी चार्ज आप यहाँ पर ले सकते हो। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को 100% पसंद आई होगी, सो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा और टेक केयर, बाय बाय।